जहानाबाद पुलिस ने चुनाव को देखते हुए बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए घोसी थाना क्षेत्र के दमुआ गांव में छापेमारी कर 12 लाख नकद सहित दो देशी कट्टा, एक देशी राइफल सहित जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि घोसी थाना क्षेत्र के दमुआ गांव में बालू का खेल चोरी छिपे किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में घोसी थाना और एसएसबी के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने उसी गांव में नीरज शर्मा और दीपक शर्मा के छापेमारी की तो नीरज शर्मा के घर से एक देशी कट्टा, एक पिस्तल और करीब 12 लाख रुपए बरामद किया। वहीं दीपक शर्मा के घर से जम्मू कश्मीर निर्गत लाइसेंसी हथियार बरामद किया गया। इस संबंध में जिले के एसपी मीनू कुमारी ने प्रेस करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों गांव में हथियार का भय दिखाकर अवैध रूप से बालू खनन का कारोबार करते थे और रंगदारी के तहत रुपए की वसूली करते थे। देखिए, कल एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसके हमारे जो इंचार्ज है उनको, और उसी गुप्त सूचना के आधार पे एसएसबी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी, एसडीपीओ हमारे और एएसपी ऑपरेशंस लगातार मॉनिटर कर रहे थे और पूरी कार्रवाई घोसी थाना क्षेत्र में की गई है। उसमें सूचना मिली थी कि बालू माफिया कुछ है जो उस क्षेत्र में सक्रिय है और जो हथियार के बल पर लोगों को डराकर धमकाकर उस क्षेत्र में जो है रंगदारी वसूलते हैं। उसी क्रम में रेड करते हुए और घर का थॉरो सर्च करते हुए दो अलग अलग घरों से दो राइफल, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और साथ ही उसमें 15 जिंदा कारतूस, 4 मिसफायर कारतूस और 9 खोखा बरामद हुआ है। सर्च के क्रम में लगभग 11,95,031 रुपए भी बरामद हुए हैं, जिसके संदर्भ में पूछने पर गृह स्वामियों के द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी चीजों को पुलिस ने जब्त किया है और इस संदर्भ में घोसी थाना कांड संख्या 463/2020 कल की तिथि में अंकित किया गया है, जिसमें घर पे नीरज शर्मा, पिता रणविजय शर्मा घर से फरार पाए गए, उनकी पत्नी एवं उनकी मां जो कि घर पे थी, जो कि कस्टोडियन कही जा सकती है इस मामले में, समस्त जो इलीगल आइटम्स उनके घर से बरामद हुए हैं उनको कस्टडी में लिया गया है। आगे का अनुसंधान हम लोग इस दिशा में करेंगे कि जो राशि उनके द्वारा अभी जो कल हम लोगों ने जब्त किया है, क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ अवैध संपत्ति है जो कि उनके द्वारा रंगदारी के क्रम में हासिल किया गया है, या बालू माफिया को लेकर उनका किस प्रकार का रवैया है उस क्षेत्र में, लोगों के साथ किस प्रकार का रवैया है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास किस प्रकार का रहा है उन सारे बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। जरूरत अगर पड़ेगी तो हम लोग ईओयू को भी मामला हैंडओवर कर सकते हैं, क्योंकि मामला पीएमएलए एक्ट से भी संबंधित प्रतीत होता है। चुनाव से जुड़ा देखा जाएगा? चुनाव से जुड़े होने की अभी तक कोई बात अनुसंधान में नहीं आई है, ये कंप्लीट क्रिमिनल एक्ट अब तक प्रतीत होता है। आगे अगर उस दिशा में भी अनुसंधान में कुछ आएगा तो फिर उस एंगल पे भी हम लोग इसको देखेंगे। सभी हथियार जो है इलीगल है या कुछ इसमें एक हथियार ऐसा है जिसका कि जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत था, जो कि 2015 तक रिन्यूड है, लाइसेंस भी हम लोगों ने जब्त किया है लेकिन उसके बाद उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो उस मामले में हम लोग स्टेशनरी एंट्री करके जिनके नाम पे लाइसेंस है उनको हम लोग 48 घंटे की नोटिस दे रहे हैं, ताकि अगर उनके पास कुछ अपडेटेड है दस्तावेज तो वो प्रस्तुत कर सके, तो उस दिशा में आगे कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा अगर वो उसको उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करके सुसंगत धाराओं में अनुसंधान हम लोग करेंगे। इतनी सारी रकम जो है क्या ये लूट की है या रंगदारी से? जी, अभी तक जितना अनुसंधान में पता चला है कि बालू माफिया जो सक्रिय है उस क्षेत्र में, स्पेशली घोसी क्षेत्र में, आप लोगों को याद होगा कि अभी पिछले महीने ही पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं बालू माफिया काफी सक्रिय है उस क्षेत्र में और उसी का जीता जागता उदाहरण ये सीजर है।